अस्सलाम वालेकुम डेवलपमेंट के साथ मैं अली रजा। आज भी हम आपको बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग एयरबर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसका भाई अगर ब्रांड्स की बात की जाए तो रोनन ब्रांड का हम आपके लिए R640 ब्लूटूथ एयरबर्ड्स लेके हैं। जो टॉक टाइम अगर बात की जाए म्यूजिक की, तो 6 घंटे का टॉक टाइम बैटरी टाइमिंग हमें देने वाले हैं। इसके अलावा इसमें ENC की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए बैटरी टाइमिंग की कॉल पे, तो भाई आप 2 या 3 दिन इजीली यूज करके इसके बैटरी बैकअप से मजा ले सकते हैं। इसके अलावा इसके मजीद फंक्शंस के बारे में बताएं, तो इसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में मेंशन की गई हुई है कि भाई इसमें बैटरी कितनी उन्होंने लगाई हुई है, कितने हर्ट्ज का एक सिंगल एयरपॉड्स आपको बैटरी टाइम देने वाली है, डबल कितने में देने वाली है। तो चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और बकायदा इसका आपको रिव्यू देते हैं और इसकी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। ये रोनन ब्रांड की एक बहुत ही मुनासिब प्राइस टैग में आने वाली एक एयरबर्ड्स है। चले इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको इसका रिव्यू देते हैं। जिस तरह अगर बात की जाए रोनन की इस ब्रांड न्यू एयरबर्ड्स की, तो ये बहुत ही एक शानदार एयरबर्ड्स हमें देखने को मिलती है। मॉडल्स की बात की जाए तो R640 ब्लूटूथ के नाम से रोनन ब्रांड ने ये इसका मॉडल लॉन्च किया हुआ है। अगर हाईलाइट पे मेंशन किया गया किया अगर हाईलाइट पे देखा जाए तो हमें म्यूजिक टाइम 6 हर्ट्ज का टॉक टाइम और टॉक टाइम बैटरी टाइम देखने को मिलता है। जिस तरह के भाई रोनन ब्रांड ने इस एयरबर्ड्स के मतलब ये बोला हुआ है कि भाई यार अगर आप 6 घंटे टॉक टाइम भी अगर ये हैंडफ्री यूज करते हो, तो भाई यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको। तो इसीलिए आज मैं एक बहुत से लोगों ने भाई मैंने एयरपोर्ट्स की वीडियो बनाई तो मगर कुछ लोगों ने बोला यार रोनन ब्रांड भी अच्छा है, ये भी पाकिस्तानी एक ब्रांड है और बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आप उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना दे। आपने एयरपोर्ट्स की भी बनाई, बहुत से मॉडल्स जो है रूम वगैरह सारे ब्रांड्स की वीडियो बनाई, मगर आपने आईफोन इस रोनन ब्रांड की वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं भाई रिसेंटली लेके आया हूँ रोनन की एक बहुत ही अच्छी और यूनिक सी एयरबर्ड, जो बहुत ही एक मजे के साउंड के साथ आपको देखने को मिलती है। ENC की इसमें ऑप्शन देखने को मिल रही है, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होने वाला है और ये भाई वाटर रेजिस्टेंस भी होने वाली है। अगर थोड़ा बहुत अगर इस पे पानी डस्ट वगैरह लग भी गई तो भाई बेफिक्र हो जाएं, ये वाटर प्रूफ उन्होंने बना दी गई है, बहुत अच्छी एंट्री बना दी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए बैग पे, तो बैग पे भाई हाईलाइट पे मेंशन किया गया हुआ है, इस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिख दी गई हुई है कि भाई किस कितने कितने आपको MH क्या क्या मिलेगी, ENC कितनी है, सारा कुछ उन्होंने तफसील से लिया है। हम तो पढ़ नहीं सकते भाई, तो इजीली भाई जो परचेज करेंगे वो इजीली पढ़ेंगे। आपको ज्यादा बताया गया होगा भाई यार आप इन सारे फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हो। बकायदा बार कोड कंपनी की तरफ से लगा दिया गया होगा भाई यार आपको 1 साल की वारंटी भी मिलेगी इसकी, कि बेफिक्र हो जाए, 1 साल वारंटी है रोनन ब्रांड की तरफ से कि भाई अगर कोई भी मसला हो तो कंपनी जिम्मेदार होगी, टूटने या गुम होने की सूरत में नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भाई यार गुम हो जाए तो कंपनी ढूंढ के भी देगी, ये नहीं होता भाई, इस तरह होता ही नहीं। चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और बकायदा इसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। अनबॉक्स करते ही हमें रोनन की बहुत ही अच्छी शानदार पैकिंग देखने को मिलती है हर दफा की तरह। तो अगर हम केस की बात करें तो केस भी बहुत ही एक अच्छी पैकिंग में हमें देखने को मिल रहा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी की हुई है, रोनन का लोगो मेंशन किया गया हुआ है, ब्रांड का लोगो ब्रांड का लोगो मेंशन किया गया हुआ है रोनन ब्रांड का। इसके अलावा अगर बैग की बात की जाए तो मैट मटेरियल के साथ इसको तैयार किया गया हुआ, बहुत अच्छा एक सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही एक इजीली कैरी करने वाली एयरबर्ड्स बना दी गई है। अगर इसके पावर बैंक की बात करें तो पावर बैंक बहुत ही एक अच्छा 300 mAh का पावरफुल पावर बैंक दिया गया हुआ है भाई, इजीली आप 2, 3, 4 दफा हैंडफ्री को इससे चार्ज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो हमें टाइप सी वाली एक बहुत ही अच्छी केबल देखने को मिलती है, टाइप सी वाली यूनिवर्सल से टाइप सी वाली आपको एक के बहुत ही अच्छी केबल देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए तो हमें बबल्स देखने को मिलते हैं, जो भाई एक्स्ट्रा बबल इसके साथ आपको मिलते हैं कि भाई कोई छोटे यूज करता है कोई बड़े यूज करता है, तो कंपनी ने एक्स्ट्रा भी इसके साथ दिए गए हुए हैं। अगर एयरबर्ड्स की बात की जाए तो एयरबर्ड्स भी बहुत ही एक शानदार क्वालिटी में और डबल क्रॉस
कलर कंपेयर किया गया होगा, तीन कलर में इस्तेमाल किए हुए बबल्स के कलर और हैं, इसके अलावा बॉडी और तरह की बना दी गई है, और जरा ऊपर से उन्होंने बहुत ही एक अच्छी वाइट फिनिशिंग में दिए गए हुए हैं। इसके अलावा सेंसर आपको इसमें ऑटो सेंसर की ऑप्शन मिलती है, राइट लेफ्ट का हाईलाइट पे मेंशन किया गया हुआ है कि भाई रोनन चैलेंज से बोल दिया कि भाई यार गेम में भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, जिस तरह मर्जी ये देखें इधर लेफ्ट और उधर राइट। तो ग्रिल भी बहुत अच्छी है, जाली ग्रिल बहुत एक अच्छी लगा दी गई हुई है, सेंसर वगैरह भी ऑटोमेटिक लगाए हुए हैं कि भाई यार ऑटो कनेक्ट कर सकते हो इजीली, जिस तरह मर्जी आप इसको यूज करो, बैटरी टाइमिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा तो हमें कोई चीज इसमें हमें देखने को नहीं मिलती। खोले तो हमें एक बुक सी मिलती है जिसमें उन्होंने कुछ लिखा होगा, हदायत वगैरह लिखी होगी कि किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको बैटरी बैकअप कितना देने वाली है, सारा कुछ उसमें हाईलाइट पे मेंशन किया गया हुआ है। आप इजीली उसको पढ़ के बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो रही भाई हमारी R640 ब्लूटूथ, ये तो रही भाई हमारी R640, बहुत ही एक अच्छी लुक में हमें देखने को मिलती है। कनेक्ट करने का भी अगर आपको ऑप्शन बताया गया हो, कुछ लोग बोलते हैं भाई यार के हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट एक होती है दो नहीं होती, तो भाई उसका आसान तरीका ये है कि भाई अगर कोई एयरपोर्ट्स दोनों इकट्ठी कनेक्ट नहीं होती तो आप इजीली इसको निकालें, दोनों को इकट्ठा निकालें, पहले इनको पेयर होने दें फिर इजीली इससे कनेक्ट करें, और साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और लुक की अगर बात की जाए तो आपके सामने मैं आपको लुक दिखा रहा हूं कि बहुत ही एक अच्छा कंट्रास्ट में उन्होंने लुक बना दी गई हुई है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगा दी गई हुई है। नीचे की बात की जाए तो टाइप सी फास्ट चार्जर पोर्ट उन्होंने दी गई हुई है कि भाई फास्ट चार्जर ही ये चार्जर होगी, तो ये बहुत ही एक अच्छी एयरबड्स थी। जो भाई इसको पसंद करते हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इसी तरह की हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए जी। अस्सलाम वालेकुम।